यूपीसीएम का दौरा कल गाजियाबाद में है, उसको लेकर ज़्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। हमारे साथ महापौर गाजियाबाद के आशा शर्मा मौजूद हैं, बात करेंगे। मैम, कल योगी आदित्यनाथ जी का दौरा है, उसको लेकर क्या तैयारी है? सबसे पहले मैं आपके इस इलेक्ट्रॉनिक चैनल जन मंत्र को बहुत बहुत साधुवाद और आभार व्यक्त करती हूँ। कल गाज़ियाबाद का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि कल हमारे गाज़ियाबाद में एक जन विश्वास यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जो मुरादनगर में लगभग 10:30 बजे पहुँचेगी हंस इंटर कॉलेज। उसके बाद फिर वो हमारी साहिबाबाद विधानसभा में पहुँचेगी और वहाँ उस दोनों जगह हमारे डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जी उस यात्रा को संबोधन करेंगे और साहिबाबाद से फिर वो यात्रा एक जन सैलाब के रूप में, एक हमारी यात्रा रोड शो के रूप में बदल जाएगी और गाज़ियाबाद में प्रवेश करते हुए कालकागढ़ी चौक में हमारे बहुत ही उत्तर प्रदेश के यशस्वी विकास पुरुष माननीय आदित्य योगीनाथ जी इस रोड शो का शुभारंभ करेंगे। वहां से कालकागढ़ी चौक से वो रोड शो शुरू होएगा, जो तुरानगर से होता हुआ, चौधरी मोड़ से होता हुआ, स्टेशन रोड से होता हुआ और उसका समापन दुधेश्वर नाथ का जो एंट्रेंस है, मंदिर नहीं, अंदर नहीं, जो बाहर एंट्रेंस है, हमारे वहां के महंत श्री नारायणगढ़ी जी उसका समापन करेंगे और वहां से यात्रा हमारी रोड शो ख़त्म होके, लेकिन यात्रा आगे चल के हमारी डीपीएस सिद्धार्थनगर से होती नोएडा में प्रवेश कर जाएगी। हमने इस यात्रा की पूरी जोर शोर से तैयारी करी है, लेकिन मैं आपके चैनल से एक बात बताना चाहूँ कि लोगों में इतना उत्साह है, इतना आनंद है, चाहे वो व्यापारी समाज के लोग हों, चाहे वो सर्राफा बाज़ार के लोग हों, चाहे वो किसी धार्मिक संगठन से जुड़े हैं, चाहे वो रोटरी क्लब से जुड़े हैं, अनेकों ऐसे संगठन से सामाजिक धार्मिक लोग जो जुड़े हुए हैं, वो इस यात्रा की बहुत ही इंतज़ार में है और लगातार कल भी हमने 9 बजे तक पूरे दुकानों पे घूम के इसका प्रचार प्रसार किया तो लोगों ने हमसे यही आश्वासन दिया कि हम तो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब यूपी के हमारे मुख्यमंत्री जी आए और इस यात्रा को प्रारंभ करें। उस जन सैलाब को देखते हुए हमने पूरे चाक चौबंद से प्रशासन के साथ मिलकर बैठकें करी हैं, संगठन के साथ बैठक करी है और एक भव्य अलौकिक दृश्य होएगा इस रोड शो। मैम, जिस हिसाब से जन सैलाब रहेगा उसको लेकर कोविड नियमों का कितना पालन किया जाएगा? लगातार केस गाज़ियाबाद में बढ़ रहे हैं। आपने अच्छा सवाल करा, पहले ही हमने अपने सब लोगों को समझा रखा, आज भी आपने देखा होगा प्रेस वार्ता भी यहाँ पर हुई हमारी, सब लोग जो कोविड के हमारे नियम है उसका पालन करेंगे, पूरी एक तरफ पालन के साथ ही हम इस यात्रा को प्रारंभ करेंगे। खैर, ये थे हमारे साथ गाज़ियाबाद की महापौर आशा शर्मा। साफ तौर पर इनका कहना है कि प्रशासन और जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं योगी आदित्यनाथ के आगमन के लिए पूरी जोर शोर से तैयारियां हैं। मैं सुनील गौतम, जनता टीवी, गाज़ियाबाद।